गाइस यार आप सभी को तो पता ही है कि आज क्या है, और अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, आज है हैप्पी दिवाली और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। चुप, तू भी तो बोल दे यार। और हाँ गाइस यार मेरी तरफ से भी आप सभी को हैप्पी दिवाली। चुप, लेकिन आज हम लोग करेंगे क्या है? और करेंगे क्या, पहले फ्रैंकलिन भैया को जगाना, वही तो बताएंगे आज हम लोग क्या करेंगे। गाइस मैं आप सभी को दिखाता हूँ, फ्रैंकलिन भैया दिवाली के दिन भी इतना देर तक सो रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है फ्रैंकलिन भैया को। छोड़ना गाइस, आप लोग भी फटाफट ना वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दो हैप्पी दिवाली। तो चलो अभी मैं फ्रैंकलिन भैया को उठाता हूँ। फ्रैंकलिन भैया उठ जाओ यार, कब तक सोओगे? लगता है गाइस फ्रैंकलिन भैया भूल गए हैं कि आज दिवाली है। फ्रैंकलिन भैया, फ्रैंकलिन भैया उठ जाओ। अरे उठो उठो फ्रैंकलिन भैया, आज आपको पता नहीं है कि दिवाली है। गाइस पता नहीं फ्रैंकलिन भैया क्यों नहीं उठ रहे सच्ची में। चुप, एक काम कर, एक बोतल पानी ला फ्रैंकलिन भैया के ऊपर गिरा दे, फिर देखियो कैसे उठेंगे। अरे यार मेरे रूम में ना तुम लोग शोर मत मचाओ, मुझे 10 मिनट और सोने दो, ठीक है ना? गाइस देख लो फ्रैंकलिन भैया तो उठ गए हैं यार। अरे उठ जाओ सो मत। और फ्रैंकलिन भैया उठ जाओ ना, ऐसे क्यों कर रहे हो? आज हैप्पी दिवाली है, आप ऐसे करोगे तो सच में हमें बहुत बेकार लगेगा। एक मिनट, आज दिवाली है? अबे मैं तो भूल गया था गाइस, लिटरली सोने के वजह से ना मुझे कुछ याद नहीं है। आज मैं इतना ज्यादा लेट कैसे हो गया? आज दिवाली है और दिवाली वाले दिन मैं इतना ज्यादा लेट उठा हूँ। लिटरली गाइस मुझे को ना सुबह सुबह नहाना था, लेकिन यार सुबह सुबह नहीं नहा पाया। और हाँ, अभी तो मेरे हिसाब से हमारे बाथरूम में गर्म पानी भी नहीं आ रहा होगा, अब मुझे ठंडे ठंडे पानी में नहाना पड़ेगा। एक दो, अरे भाई साहब कितना ज्यादा ठंडा है, सिंचन भाई नहाया नहीं जा रहा मेरे से। लेकिन चलो गीला तो हो गया ना मैं कम से कम। तो गीले होने का ये मतलब थोड़ी कि आपने नहा लिया, जाओ जाओ वापस अच्छे से नहाओ। अरे नहीं नहीं, मैंने नहा लिया और लिटरली बहुत ज्यादा ठंडा पानी है। और हाँ दिवाली के टाइम पे गाइस बहुत ज्यादा ठंड भी लगती है। ऑल राइट गाइस, अभी मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। और हाँ दिवाली की तैयारी भी नहीं की मैंने, इतना ज्यादा पागल हूँ सुबह से मैं उठा भी नहीं, और सिंचन और चॉप ने नहीं उठाया। अभी हमें बहुत सारा काम है सिंचन और चॉप। और फ्रैंकलिन भैया मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, सिंचन और मैंने आपको उठाने का बहुत ट्राई किया था, आप खुद ही नहीं उठ रहे थे। अबे वेट, मैंने तुम दोनों को विश नहीं किया हैप्पी दिवाली। अरे सिंचन हैप्पी दिवाली, और चॉप हैप्पी दिवाली यार मेरे तरफ से। हैप्पी दिवाली फ्रैंकलिन भैया, हैप्पी दिवाली फ्रैंकलिन भैया। और हाँ आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, आपकी दिवाली बहुत बढ़िया बीते। और हाँ आप लोग भी ना फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके कमेंट में लिख देना हैप्पी दिवाली फ्रैंकलिन भैया, चॉप और सिंचन। आज हमें क्या करना है? हाँ अभी हमें सबसे पहले ना घर को सजाना होगा, तो घर को सजाने के लिए ना सबसे पहले हमें मार्केट जाना होगा और वहां से लाइट्स एंड लड़ी लानी होगी, जिससे गाइस हमारा घर ना रात में बहुत ज्यादा प्यारा लगे। और हाँ इसके लिए हमें फटाक से अभी जाना पड़ेगा मार्केट और वहां से लानी पड़ेगी लड़िया। अरे वेट, हमने पटाखे भी तो नहीं लाए सिंचन, हम पटाखे भी तो फोड़ेंगे रात में। अरे हाँ हाँ फोड़ेंगे, मतलब आप फोड़ना? गाइस मैं नहीं फोड़ पाता, एक बार बहुत पहले जब मैं बम फोड़ रहा था ना तो मैं जला के भागी रहा था, तभी पीछे फट गया। बाप रे, जब से तो मैंने पटाखे फोड़ना ही छोड़ दिए। अरे भाई साहब इतना ज्यादा डर। और हाँ गाइस वैसे भी पटाखे ना थोड़े खतरनाक होते हैं, तो उनको ना थोड़ी सेफ्टी के साथ फोड़ने चाहिए। तो चलो अभी फटाफट से मार्केट जाते हैं और वहाँ पे पटाखे एंड लाइट्स लेके आते हैं। वैसे सिंचन और चॉप तुम दोनों पटाखे नहीं फोड़ोगे ना? अरे नहीं नहीं, मैं तो फोड़ना चाहता हूँ, लेकिन फोड़ूंगा कैसे? गाइस मेरे तो 4 पैर है ना, हाथ नहीं है जो मैं माचिस जला के भागूंगा। गाइस देखो जब चॉप का मन है तो वो बेचारा फोड़ नहीं सकता, और जब मेरा मन नहीं है तो मैं फोड़ सकता हूँ। हाँ हाँ ये बात तो सिंचन तूने सही बोली। तो चलो अभी फटाफट से जाते हैं मार्केट। लेकिन एक मिनट, शायद मार्केट का रास्ता मैं भूल गया हूँ। नहीं नहीं सही रास्ते में जा रहा हूँ, ये रहा मार्केट। और हाँ गाइस ये लॉस सैंटोस का ना सबसे छोटा मार्केट है, जहाँ पे हर एक सामान मिलता है। लेकिन अभी मेरे हिसाब से मार्केट लगा नहीं है, नहीं नहीं लगा हुआ है। और ये देखो यहाँ पे लाइट्स है। आ, लाइट्स ले लो लाइट्स, दिवाली में अपने घर में लगाने के लिए लाइट्स। देख रहे हो गाइस यहाँ पे लाइट्स भी बहुत सारी है। चलो
जाके पूछते हैं ये लाइट्स कैसी हैं यार। अरे हाँ अंकल, ये सारे कलर की लाइट कितने कितने रुपए की है? अरे बच्चे, ये लाइट्स ये देखो, ये नीली वाली और लाल वाली दोनों 100-100 रुपए की, और ये लैंप्स ये हैं तुम्हारी, हाँ ये 550 रुपए की, और हाँ जो घर में लड़ी लगाते हैं वो स्ट्रेट वाली वो 1000 रुपए की। तो बताइए आपको क्या चाहिए? एक मिनट, मेरे को इनमें जरा सारा सामान चाहिए। एक काम करो, सब कुछ पैक कर दो और आप बिल बता दो। सब देखो, ये लाल वाली आपकी पड़ेंगी टोटल 5000 की, और ब्लू वाली 5000 की, और ये लैम्प 10000 की, और वो लाइट्स हो गए आपके 20000 के। तो टोटल आपके मैं अभी बताता हूँ 10-20 जो भी हो, आप 1,00,000 रुपए दे दो। क्या 1,00,000 रुपए? मुझे पागल समझाए क्या? नहीं नहीं, आप एक काम करो, ये सब पैक करो, मैं अभी आता हूँ आगे से। अरे सर, अरे ऐसा मत करो, मैं आपको सस्ते में लगा देता हूँ, आज टोटल आप 40,000 रुपए दे दो। हाँ ये हुई ना बात। गाइज मुझे पता था ये मुझे ठग रहे हैं, लेकिन अभी मैं आता हूँ आगे से। अरे पेमेंट तो कर दो सर, मैं आपका पैक करके रख दूंगा। फ्रैंकल भैया, जब इतना बोल ही रहे हैं तो कर दो ना। लो अंकल 2 मिनट, अभी पैसे देते हैं आपको। हाँ 40,000 रुपए, 40,000 रुपए मैं आपका सारा कर दूंगा। चलो ठीक है, 40,000 रुपए मैं अभी देता हूँ, और मैं आपका फटाफट पैक कर देता हूँ। हाँ हाँ फटाक से ये लो, और हाँ पैक करके ना आप रखो, मैं जब तक आगे जाता हूँ और पटाखे लेके आता हूँ। अरे हाँ आगे पटाखे मिल रहे हैं, उसके पटाखे तो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, और हाँ वो मेरा ही दोस्त है, बोलिएगा आपने लाइट्स लिए हैं तो आपको डिस्काउंट भी देगा। चलिए थैंक यू, आपके लाइट्स के कारण मुझे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ऑल राइट गाइज, अभी मैंने लाइट ले लिए हैं, अब मैं जा रहा हूँ पटाखे लेने। सिंजैन तुझे कौन से पटाखे चाहिए यार? अरे मुझे वो जो आसमान में रॉकेट जाता है और यार बिल्कुल लाइट लाइट होता है, वो वाला पटाखा का नाम क्या है मुझे याद भी नहीं है। अच्छा स्काई शॉट्स बोल रहा है, और वो जो लाइट लाइट होता है ना वो अनार बम है। एक मिनट, अरे सुनिए सर, आपके पास पटाखे मिल जाएंगे क्या? हाँ भाई, हमारे यहाँ सारे तरीके के पटाखे मिलते हैं, आपको चाहिए कौन सा बस ये बता दो। एक मिनट, पटाखे थोड़े खराब भी होते हैं। अंकल आप एक काम कर सकते हो क्या, कोई सा पटाखा आप टेस्ट कर सकते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी तो दोपहर है यार, अभी मजा थोड़ी आएगा फोड़ने में। एक मिनट, आप पिछली बार हम लोग एक पटाखा लेके गए थे जो बहुत ज्यादा खराब था, हम जलाते थे और वो फुस्सी हो जाता था, इसलिए कह रहा हूँ एक बार बस एक बम ब्लास्ट करके दिखा दो। और हाँ गाइज, आप लोग भी रात में ना पटाखे जलाना चाहते हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा मान जाओ यार, एक पटाखा बोल रहा हूँ बस जलाने के लिए, उसके पैसे भी ले लेना मेरे से। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो इतना बोल रहे तो मैं जला के आता हूँ। अरे यहाँ पे जलाता हूँ, हाँ दुकान से साइड में। अंकल लगता है पटाखे फुस्सी हैं। अरे दूर रहो दूर रहो, बहुत तेज फूटता है वो। एक मिनट, और वेट, ओ भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा भयंकर है। सही में आपके पटाखे तो बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं। अरे मैंने सारे पटाखे क्वालिटी के रखे हैं, एक भी बेकार पटाखे नहीं है यार। चलो ठीक है, आप एक काम करो, फुलझड़ी तो नहीं दो, अनार बम दे दो, और स्काई शॉट दे दो, और ये पटाखा दे दो, तीनों चीज दे दो। और हाँ आप बिल बता दो, आपका कितना बिल हुआ? अरे इतनी सारी चीज। अंकल हमें बहुत तरीके की रॉकेट देना, रंग बिरंगे वाले भी। अच्छा ठीक है मैं समझ गया, आपका बिल बनेगा 25,000 रुपए का सर। एक मिनट, मैंने ना पीछे लाइट्स ली हैं और उन्होंने बोला था कि मैं उनका नाम ले दूंगा तो आप डिस्काउंट दिखा दोगे यार। अच्छा चलो फिर 20,000 रुपए दे देना, अब इससे कम नहीं हो पाएगा सर। चलो ठीक है, अभी ना आप फटाफट से सारे पटाखे पैक करो और मैं पीछे से लाइट्स लेके आता हूँ, और उसके बाद आप पटाखे भी रख देना मेरी गाड़ी में। चलो ठीक है आप आओ जब तक पैक हो जाएगा सर। चलो ठीक है, अभी गाइस फटाफट पीछे जाते हैं, और हाँ उन्होंने मेरे लाइट्स को पैक कर दिया होगा तो लाइट्स उठाते हैं, और हाँ ये पटाखे उठाएंगे हम सीधा घर जाएंगे। और हाँ गाइस हमें पूरा घर सजाना भी है, उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अरे सुनो हो गया लाइट्स पैक? अरे हाँ भाई लाइट पैक हो गए हैं, एक मिनट आपकी गाड़ी में मैं अभी रख देता हूँ। हाँ हाँ फटाक से रख दो। अरे हो गए, चलिए थैंक्स सर, आपने हमारी दुकान में खरीद की, ठीक है ना?
गाइजर चलो फाइनली हमारे पास लाइट तो आ गई। पटाखे वाले अंकल, पटाखे वाले अंकल, पटाखे रख दो ना। एक मिनट, पटाखे थोड़े भारी होंगे ना। एक काम करता हूँ, मैं खुद जाता हूँ और उनका साथ देता हूँ। सिंचैन तू ऊपर रह के ना पकड़ियो और मैं नीचे से पकड़वाता हूँ, मतलब थोड़ा हाथ लगा दियो, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब इतने बोल रहे हो तो रखवा दूंगा। गाइस चलो रखवा दिया यार। ओके गाइस, काफी ज्यादा भारी था लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम हो गया। चल सिंचैन फटाफट यहाँ से निकलते हैं और घर चलते हैं, और सभी लाइट्स को लगवाना भी है, उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। गाइस देखो अभी हमारा घर सजा भी नहीं है और आधा दिन बीत चुका है। फ्रैंकलिन भैया आपको लगता है क्या हमारा घर सजा लेंगे हम तीनों मिलकर? हाँ सजा तो लेना चाहिए, पहले घर चलते हैं और वहाँ पे जाके डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है। तो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, लेट्स गो गाइस। अभी ना मैं घर पहुँचने वाला हूँ, और हाँ ये लाइट्स और ये पटाखे गाइस ये ना बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। फ्रैंकल भैया लेकिन कैसे खतरनाक होते हैं? देख जो ये लाइट्स होते हैं ना, ये बिजली का काम होता है, और बिजली जब ये झटका मारती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, और ये पटाखे इसके अंदर बारूद होता है, और एक बार ये फट जाए ना तो हमें चोट लग सकता है। दोनों गाइस बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसे सेफ्टी से और बहुत आराम से लगाने चाहिए। चलो अभी घर पहुंच गए सिंचैन और चॉप, चलो उतरो नीचे और मेरी मदद करो। और हाँ गाइस इन पटाखों को ना मैं अपने गैराज में रख देता हूँ कोने में, जो यहाँ पे कोई जा ना पाए यार। फ्रैंकलिन भैया एक काम करो, लाइट नहीं लगवाऊंगा यार, मुझे तो डर लग रहा है। अरे ठीक है तू मत लगवा, अभी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और वेट, अभी तो हम लोगों ने अपने दोस्तों को भी नहीं बुलाया। गाइस लिटरली अभी मेरे को बहुत सारा काम है, मेरे को मेरे कपड़े भी लाने हैं और अपने दोस्तों को भी बुलाना है, मतलब एवेंजर्स को। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। लॉस सैंटोस कस्टमर सर्विस वाले आएंगे और हमारे घर में लाइट्स लगवा देंगे, और हाँ गाइस थोड़े पैसे लेंगे लेकिन हमारा काम आसान हो जाएगा। चलो इनको फोन करते हैं और बुलाते हैं। अरे हाँ हाँ फोन नंबर कहाँ गया, और हाँ ये भी तो है। अरे सुनो, हाँ सर बोलिए, लॉस सैंटोस कस्टमर सर्विस में आपका स्वागत है। सुनिए हाउस नंबर 3671 आपको यहाँ पर लाइट्स लगवानी है, वो भी दिवाली वाली, तो आप अभी आ जाइएगा। अरे हाँ सर अभी आ जाएंगे और आपका काम हो जाएगा, अभी आता हूँ सर। चलो ठीक है आप फटाक से आ जाओ, जब तक मैं यहीं पर हूँ। अरे सर 2 मिनट में आ जाऊँगा, बस आप थोड़ा वेट करिए। चलो ठीक है अभी फटाफट आ जाओ हाउस नंबर 3671। गाइस सही में लगता है हमारा घर कोई और सजाएगा। फ्रैंकलिन भैया मैं यहीं पे रहूंगा, क्या पता उनने सारी लाइट लेके भाग गए तो। अरे नहीं पहले उनको आने दे और उनके बाद मैं उनको सारा काम समझा दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा, ठीक है ना चॉप। अरे हाँ हाँ, किधर है उनका घर? अरे सर अभी कौन आया था, हाउस नंबर 3671 था, अभी वो आया नहीं है, आने वाला है, इसके बाद होगा। अरे हाँ सर ये रहा हाउस नंबर 3671, 1 मिनट कंफर्म कर लेते हैं। अरे सुनिए आपका हाउस नंबर 3671, आपने हमें अभी फोन किया था क्या अपने घर में लाइट्स लगवाने के लिए? हाँ हाँ अभी मैंने ही फोन किया था। चलिए ठीक है, आपका घर देखा जाए तो काफी ज्यादा बड़ा है, सामने से फ्रंट तो छोटा है, और हाँ लाइट्स तो लाए ना आप? हाँ हाँ मैं लाइट्स ला चुका हूँ, लेकिन एक मिनट आपने तो पेमेंट्स बताई नहीं कि पूरे घर में लाइट लगाने क्या पेमेंट होगा। फ्रैंकलिन भैया मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा पैसे लेंगे। अरे नहीं पहले हम पूरे घर में लाइट्स लगाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि लास्ट में पेमेंट आपका क्या होगा। वैसे आपका घर ज्यादा बड़ा है नहीं तो लाइट्स लगाने के मुश्किल से 2 से 3 हजार रुपए होंगे। चलो ठीक है इतना है तो लगा दो, और हाँ ये घर ना शाम तक सारे लाइट लग जाने चाहिए। अरे सर चिंता ना करिए, शाम तक नहीं 2 घंटे में लग जाएगा, आप थोड़ा वेट तो करिए। फ्रैंकलिन भैया इतने देर में काम करते हैं, हम लोग एवेंजर्स के घर चलते हैं और उनको बुला के लाते हैं यार। अरे हाँ सर जहाँ मर्जी जाना है जाइए, हम काम कर देंगे आपका। ऑलराइट गाइस चॉप अभी घर में है, और हाँ चॉप उनको देखियो वो काम ढंग से करे, ठीक है ना। अरे हाँ हाँ टेंशन ना लो। ऑलराइट गाइस अभी मैं सिंचैन और हम दोनों जा रहे हैं एवेंजर हाउस। वेट मैं ये पुराने कपड़े पहन के नहीं जाऊंगा, अभी मैं रास्ते में ना कपड़े चेंज कर लूंगा और एक शोरूम से ना नए कपड़े ले लूंगा यार। नए कपड़े?
तो पहले क्यों नहीं बोला यार, हम लोग शॉर्टकट से जाते, ये तो लॉन्ग वाला रास्ता है। अरे कोई बात नहीं, अभी फटाफट जाते हैं और एक शॉप में जाके नए कपड़े ले लेंगे और उसके बाद मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि गाइस आज दिवाली है और मैं पुराने कपड़े में उनके घर गया तो वो लोग बोलेंगे कि फ्रैंकलिन तुम कितने ज्यादा कंजूस हो, और इसलिए गाइस मेरे को ना फटाफट से कपड़े ले लेने चाहिए। लेकिन वेट, कपड़े की दुकान गई कहाँ? अरे यार सॉरी सॉरी, मैं गलत रास्ते में आ गया, कपड़ों की दुकान तो इस वाले रोड में और मैं वहाँ पे ढूंढ रहा था यार। अरे फ्रैंक भैया, मैं भी आपको यही बोलने वाला था कि हम लोग गलत रोड में आ गए, आपको रोड याद नहीं था क्या? भाई याद तो था लेकिन मैं थोड़ा भूल गया था। चलो अभी अंदर जाते हैं और एक बढ़िया सा कोट पैंट लेके आते हैं, और हाँ दिवाली का दिन है गाइस तो थोड़े पैसे तो ज्यादा लगेंगे। चलो अभी कोई बात नहीं, अभी फटाफट अंदर जाते हैं, एक बढ़िया सा कोट पैंट लेते हैं। हाँ कोट पैंट तो उधर है, अभी जाकर ट्राई करते हैं कौन सा कोट पैंट मेरे पे अच्छा लग रहा है। तिनचैन तू बताइयो हम पे कौन सा कोट पैंट बढ़िया लगेगा यार। रुको मैं देखता हूँ, ये उतना खास नहीं है, ये भी उतना खास नहीं है। फ्रैंकलिन भैया कपड़े बदलो, ये उतना बढ़िया नहीं लग रहा है। एक मिनट मैं खुद देखता हूँ, ये वाला सही बोल रहा है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ये ब्लैक वाला सिंचैन। अरे ये तो पहले से भी बेकार है और ये वाला कलर भी अच्छा नहीं लग रहा फ्रैंकलिन भैया। हाँ हाँ, और इसके बाद ये तो मैंने पहले पहना है, ये व्हाइट एंड ब्लैक, वेट ये थोड़ा सही लग रहा है। सिंचैन ये कैसा लग रहा है तेरे को? ना ना ये भी नहीं यार, इतने सारे कोट हैं लेकिन मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा कोई सा। एक मिनट, ये थोड़ा क्रीम कलर का आया था, ये कैसा लग रहा है तेरे को? हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है। हाँ फ्रैंक भैया व्हाइट वाला अच्छा लगा मेरे को। एक मिनट गाइस, ये वाला कपड़ा ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और आप लोग बताना आपको मेरे कपड़े कैसे लगे। सिंचैन ये वाले कपड़े ना बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, एक काम करता हूँ शूज भी देख लेता हूँ, शूज कैसे कैसे हैं? ये नहीं, ये वाले भी नहीं। सिंचैन शूज ये वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को तो। हाँ हाँ व्हाइट पे ब्लैक एकदम जच रहा है यार, और जूते के अंदर भी थोड़ा थोड़ा व्हाइट कलर है, ये वाला एक नंबर हो गया। हाँ और ये कलर कॉम्बिनेशन है गाइस बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। चलो अभी जाते हैं और इसकी पेमेंट करते हैं। सुनिए इन दोनों की क्या पेमेंट हुई, शूज के और ये सूट का? अरे इसका 1,40,000 रुपए हो गए सर। क्या बोल रही हो, 1,40,000? नहीं नहीं मैं आपको 80,000 रुपए दे रहा हूँ, इससे ज्यादा पैसे मेरे पास है नहीं। चलो कभी और मेरे से ले लेना आप, ठीक है ना? अरे यार आप तो ठग रहे हो, 1,40,000 रुपए हो गए थे सर। चलो ठीक है मैं नहीं देने वाला, मेरे पास इतने पैसे बचे भी नहीं है। फ्रैंकलिन भैया मानना पड़ेगा, अब तो आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू सिंचैन, थैंक यू। और हाँ गाइस, आप लोगों ने ना अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन ऑन कर लेना। चलो अभी हम लोग लेट ना हो जाए, उसके लिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं एवेंजर हाउस, और हाँ सभी एवेंजर्स ना अभी सबके सब एवेंजर हाउस में ही है, और हाँ वहाँ पे कैप्टन अमेरिका भी होंगे, सारे लोग होंगे, डोरीमोन होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। चलो उनको बुलाते हैं सिंचैन। अरे हाँ हाँ हमारी गाड़ी में ही आ जाएंगे गाइस, यही में बहुत मजा आएगा, आज हम सब लोग मिलके दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, और सच्ची में मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ रात के लिए। हाँ यार रात में ना हम लोग पटाखे भी फोड़ेंगे, और देख रहे हो लॉस सैंटोस में अभी भी कहीं ना कहीं पटाखे फूट रहे होंगे। ऑलराइट गाइस, अभी मैं सिंचैन और हम दोनों आ गए हैं अवेंजर्स हाउस, और यहाँ पे सारे एवेंजर्स होंगे। चलो अभी हम लोग फटाफट से जाते हैं और उनको लेके आते हैं। यार फ्रैंकलिन भैया देखो लॉस एंजेलोस में लोग दिवाली में पटाखे फोड़ना शुरू भी कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ मुझे भी अभी ना थोड़ी थोड़ी आवाज आई थी, और जिसे देखो दिन में ही पटाखे फोड़ने स्टार्ट कर चुके हैं। चलो हम तो रात में फोड़ेंगे, और रात में पटाखे फोड़ने के मजे अलग हैं गाइस, लेट्स गो। अरे कहाँ गए सबके सब, शायद मैंने उनको कॉल किया नहीं था इसीलिए वो लोग अंदर ही होंगे। सिंचैन अभी जाके ना सबको हैप्पी दिवाली बोलना है, और उसके बाद हम लोग रात में खाएंगे पिएंगे और पटाखे फोड़ेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा यार। फ्रैंकलिन भैया दिवाली में तो मैं हैप्पी दिवाली सबको बोलूंगा ही, चाहे आप बताओ या ना बताओ, हैप्पी दिवाली दोस्तों सबको मेरी तरफ से। और हैप्पी दिवाली सिंचैन, हैप्पी दिवाली। आओ फ्रैंकलिन और सिंचैन कैसे हो यार? अरे हैप्पी दिवाली फ्रैंकलिन और सिंचैन। अरे हाँ
मेरी तरफ से भी आप लोग को हैप्पी दिवाली। तो आज तो हम लोग मिलकर पटाखे फोड़ेंगे। अरे हाँ हाँ, आज तो मजा आएगा, मैं भी बहुत सारे पटाखे फोड़ूंगा। अरे नहीं नहीं, मेरे अलावा ना कोई भी पटाखे नहीं फोड़ेगा, बस मैं जलाऊंगा और आप लोग बैठे बैठे देखते रहना। अरे मगर ऐसा क्यों, हम क्यों नहीं फोड़ेंगे पटाखे? देखो पटाखे सबके सब एक साथ फोड़ेंगे ना तो देखो पता नहीं चलेगा कौन कहाँ पे जला रहा है। अभी एक आदमी फोड़ेगा ना तो उसको पता चलेगा कि कहाँ पे जल रहा है पटाखे, इसलिए सेफ्टी के लिए ना हमें तो कोई एक पटाखे जलाएगा बस। अरे हाँ, और बाकी लोग देख लेंगे, और मान लो अगर सबने साथ में जलाए तो हमारे पटाखे बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। अरे हाँ हाँ, ये बात भी सही बोल रहा है, चले मेरे घर में आज हम लोग हैप्पी दिवाली वहीं पे बनाएंगे यार। अरे बिल्कुल सही बोला, तो आप लोग रेडी हो ना? अरे ठीक कह रहा है भाई, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ। अरे हाँ सही बोल रहे हो सिंचन। और चॉप, चॉप कहाँ गया? चॉप तो नहीं दिख रहा मेरे को। चॉप? अरे चॉप तो बेचारा घर में है, वहाँ पे थोड़ा काम करवा रहा है, घर की सजावट हो रही है ना इसीलिए। अच्छा घर की सजावट हो रही है, मतलब तुम लोग चॉप से काम करवाते हो क्या? नहीं नहीं, काम तो कोई और कर रहा है, चॉप बस ध्यान रख रहा है ताकि यार वो काम जल्दी जल्दी करवा ले। अच्छा मुझे लगा तुम लोग चॉप से काम करवा रहे हो, फिर तो तुम लोग बहुत गंदे होते, एक छोटे प्यारे प्यारे से चॉप से काम करवा रहे हो और खुद तुम दोनों घूम रहे हो। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, और हल्का गुस्सा आता है तो तुम जानते हो ना क्या होता है। अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा ना हो गए। अरे फ्रैंकलिन इसको गुस्सा ना दिलाना, नहीं वो गाड़ी पलट देगा। एक मिनट हल्क, आराम से थोड़ा आराम से अपने गुस्से को शांत करो, और हाँ अभी फटाफट हम लोग घर चलते। अरे बाप रे, अरे थोड़ा आराम से गिर जाऊंगा मैं। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आज अगर हमारे दोनों टायर पंचर नहीं होते तो आज हम इतने लेट होते क्या? नहीं नहीं गाइस, लिटरली पीछे के ना दोनों टायर पंचर हो गए थे, क्योंकि हल्क और दोनों हल्क बैठे हैं ना इसीलिए ये दोनों बहुत ज्यादा भारी हैं। अरे क्या बोले, हम मतलब गाड़ी से नीचे उतर जाए? नहीं नहीं हल्क, मैंने ये नहीं बोला, मतलब हमारी गाड़ी पंचर क्यों हुई ये बता रहा था। अच्छा मुझे लगा हमें बोल रहे हो हमारी वजह से हुआ है। एक मिनट, मतलब ये तो हमारी वजह से हुआ ना, तुम यही बोलना चाहते हो? अरे यार फ्रैंकलिन का घर देखो क्या ब्राइट मार रहा है यार। एक मिनट, हमारा घर इतना बढ़िया सजा हुआ है, लिटरली मुझे लग नहीं रहा था कि गाइस हमारा घर इतना अच्छा लगेगा, लेकिन हमारे घर को तो इतने मस्त से सजा रखा है सिंचन। अरे हाँ क्या सजावट हुई है। अरे फ्रैंकलिन भैया आओ आओ, वो कह रहे थे कि पैसे कल लेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है, और हाँ पैसे कितने हुए पूरे घर के ये बता के गए हैं वो लोग? अरे हाँ उन्होंने बोला कि 1500 रुपए हुए। एक मिनट, 1500 रुपए में इतना बढ़िया सजावट, लिटरली गाइस मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि हमारा घर ऐसा बन जाएगा। सिंचन यार सही में हम लोग तो मिलके भी ऐसा नहीं कर पाते। अरे बिल्कुल सही बोला, मुझे पता था अगर आप लगाते तो पक्का एक लाइट गेट पे एक लाइट अंदर बस हो गया सजावट। हाँ और देख रहे हो गाइस क्या लाइट्स लगाई हैं, बाउंड्री में लाइट्स, अगल बगल लाइट्स ही लाइट्स, और वो लैम्प बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। लिटरली सिंचन इन लोगों ने घर को ना बहुत बढ़िया सजाया है। और यार फ्रैंकलिन ये जिसने भी सजाया है प्लीज यार उसका मेरा नंबर दे दो, मैं भी उससे बात करूंगा यार। ठीक है दे दूंगा, अभी एक मिनट मुझे घर के अंदर भी देखना है ये घर के अंदर कैसे सजाया पूरा घर को। फ्रैंकलिन भैया अंदर भी बहुत अच्छी साफ सफाई हुई है, और पता है क्या लाइट लगाई है उन्होंने, देखना एक बार। एक मिनट, अंदर भी गाइस बहुत बढ़िया लाइट्स लगाई है, और हाँ स्विमिंग पूल के अंदर भी लगा रखा है। अबे यार पानी देखो रंग बिरंगा दिख रहा है, ब्लू एंड रेड रेड सही में, और ये स्ट्रिप देखो जो लाइट्स की लगाई है ना ये तो बहुत ज्यादा चमक रही है सिंचन। अरे हाँ वही तो, एकदम चार चांद लगा रही है हमारे घर पर। हाँ गाइस बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, लिटरली आज तो मजा आ गया। और हाँ गाइस आप लोग ने अपने घर में कौन से कलर की लाइट्स लगाई है फटाफट से ना कमेंट करके जरूर बताना यार। फ्रैंकलिन भैया फिलहाल अब हम लोग पटाखे फोड़ने चले क्या? बहुत मन कर रहा है पटाखे फोड़ने का। पटाखे फोड़ना है तो चलो अब चलते हैं पटाखे फोड़ते हैं, और उसके बाद हम लोग खाएंगे मिठाई, और उसके बाद करेंगे पार्टी, बहुत ज्यादा मजा आएगा। सिंचन तुम सब ऊपर आ जाओ फटाफट से। अरे हाँ हाँ यार मुझे तो कोई चढ़ा दो। और यार 2 मिनट अभी मैं तुमको धक्का देता हूँ यार। अरे आज तो पटाखे फोड़ेंगे। अरे फ्रैंकलिन पहले क्या फोड़ोगे? एक मिनट, सबसे पहले ना हम लोग वो जलाते हैं
अनार बम जो काफी ज्यादा बढ़िया होता है। ये बिल्कुल सही बोला, अनार बम जलेगा। जलाओ, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार। अरे यार अनार बम वो तो बहुत ज्यादा प्यारा लगता है यार। हाँ कैप्टन मेरे का सही बोल रहे हो, वो बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, तो मैंने जला दिया। भागो यहाँ से। अरे देखो वाह फ्रैंकलिन, पटाखे की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। और यार कितना देर तक जल रहा है ये तो? हाँ हाँ ये काफी ज्यादा देर तक जल रहा है। लिटरल गाइस ये अनार बम तो बहुत बढ़िया निकला। ऑल राइट ये तो खत्म भी हो गया। चलो ठीक है अभी ना हम लोग क्या जलाएं। अरे कोई दमदार बम नहीं है जो थोड़ा ब्लास्ट होता हो? हाँ वो भी तो है, एक मिनट वो भी जला के दिखाता हूँ। यहाँ नहीं थोड़ा आगे, यहाँ जलाए ना तो सारे पटाखे एक साथ जल जाएंगे। अरे हाँ हाँ यहाँ जलाओ, यहाँ ठीक है। अरे भागो रे, जला दिया सिंचन ने फ्रैंकलिन ने। अरे थोड़ा सा एडिट हो ना, अरे फट गया फ्रैंकलिन भैया। ओके गाइस ये तो बहुत ज्यादा तेज आवाज निकाल रहा है, सही में आज तो मजा आ गया। अब क्या जलाऊं। अरे एक काम करो, एक साथ ना 4-5 में आग लगा दो, फिर तो और मजा आएगा फ्रैंकलिन भैया। ठीक है मैं तो पीछे ही रहूंगा, मैं नहीं जाने वाला आगे। क्यों तुम डरते हो गया सिंचन? अरे भागो, अरे फ्रैंकलिन ने आग लगा दिया। अरे बाप रे 4-5 बम में, ओ अरे बाप रे मजा आ गया। अरे वाह कितने ज्यादा आवाज किया इस पटाखे ने। नाना मेरे को ये पसंद नहीं है, फ्रैंकलिन भैया कुछ बढ़िया जलाओ ना। एक मिनट हमारे पास स्काई शॉट्स भी हैं, वो जलाऊं क्या? हाँ जलाओ जलाओ जो मर्जी जलाओ, लेकिन थोड़ा साइड हट जाओ वरना चोट लग जाएगा। अरे फ्रैंकलिन भैया जल गया, ओए आसमान में देखो सब लोग। अरे ये तो एक नंबर का पटाखा लग रहा है। ओ भाई इतने बढ़िया बढ़िया कलर आ रहे हैं इसमें से। अरे यार क्या पटाखा है, पूरे आसमान में जगमग जगमग हो रहा है यार। हाँ वैसे सही बोल रहे हो। और हाँ गाइस वो देखो पूरा लॉस सैंटोस दिवाली बना रहा है, और हाँ वो लोग भी इतने बढ़िया बढ़िया पटाखे जला रहे हैं ना, क्या ही बताऊं। ये देखो आप लोगों को आवाज आ रहा होगा, चलो अभी और जला दिया सिंचन, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लिटरली फिर से जलाया, अभी पहले वाला ना खत्म हो गया था। सिंचन आज तो बहुत ज्यादा मजा आया ना यार। अरे मजा मेरे को तो बहुत बहुत मजा आया गाइस, सच्ची में ये दिवाली एक नंबर फ्रैंकलिन पे खत्म हो गया। अरे नहीं अभी और है, फिर से जलाओ फ्रैंकलिन। हाँ थॉर अभी जलाता हूँ। अरे यार आज तो पटाखे पटाखे हैं, आज तो रात भर पटाखे फोड़ेंगे यार हम लोग। अरे नाना इतना पटाखा भी नहीं, मुझे थोड़ा खाना पीना भी खाना है, मैं आप लोगों का इंतजार। अरे जल गया पटाखे। एक मिनट ये तो एक साथ अनार बम भी जल गया और स्काई शॉट्स भी, लिटरली बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। अरे यार हाँ हाँ अरे थोड़ा साइड हट जाओ फ्रैंकलिन, वरना चोट लग जाएगा तुमको। फ्रैंकलिन भैया एक काम करो, लास्ट में सारे पटाखों में आग लगा दो। अरे नहीं नहीं ऐसे करेंगे ना तो सारे पटाखे एक साथ ब्लास्ट हो जाएंगे, वैसे कर भी सकते हैं। अभी गाइस आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है ये तो। अरे फ्रैंकलिन नहीं ब्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि ना ये सारे पटाखे एक साथ जलेंगे तो ब्लास्ट होने का चांस ही नहीं बनता यार। ऑल राइट गाइस अभी मैंने एक साथ सभी पटाखों में आग लगा दिया है, और आप लोग देख सकते हो एक साथ ना स्काई शॉट्स और अनार बम दोनों फूट रहे हैं, लिटरली बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को। अरे मजा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, दोस्तों देखो कितना प्यारा लग रहा है। ओके गाइस तो आपको आज दिवाली वाली वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन कर देना गाइस। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, बाय बाय। अब मैं चला नहाने। अरे पड़ गया ठंडा पानी में, गिर गया भाई तू तो।